हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोपाल ब्लॉग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ चूका और उसके आसपास के एरिया को घुमाना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंजॉय द व्यू। हमने अपने जर्नी की शुरुआत की है टांडा कॉलोनी से और अब हम पहुंच गए हैं खटीमा मेन मार्केट। अभी जो आप नज़ारा देख रहे हो ये खटीमा मेन मार्केट का नज़ारा है। यहीं पे चौराहा है, यहां से हम राइट की तरफ टर्न लेने वाले हैं। खटीमा मेन मार्केट पार करने के बाद हम एक जंगल पार करेंगे। जंगल पार करने के बाद एक पुल पड़ेगा, पुल से हम राइट की साइड टर्न लेंगे। अब यहाँ से हमें कुछ किलोमीटर बांध के ऊपर ही बाइक चलाना पड़ेगा। अब बांध से नीचे उतरने के बाद हमारे सामने फिर से एक छोटा सा जंगल पड़ेगा। इसको पार करने के बाद हमारे सामने आएगा गविया गांव। अब आप थोड़े से गांव के नज़ारे एंजॉय करो। तो दोस्तों, हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करना है, खाना वाना लंच वंच करना है, उसके बाद हम नदी की तरफ जाएंगे। तो तब तक आप लोग वेट करिए और आप लोगों को अब डायरेक्ट नदी पे ले जाके मिलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मछली मारने। दोस्तों, अगर आपको भी गविया आना है और आपको भी शारदा नदी घूमने जाना है तो गविया के बीच में से एक रोड निकली है, गाँव के बीच में से ही। वहाँ से आपको शारदा नदी के लिए आना है, किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको बता देगा। और ये जो रोड आप देख रहे हो ये अभी तो सूखा है, कुछ दिन में बारिश में डूबने वाली है ये जगह। इस जगह पे सब्जियों का पॉलिश अभी है, अभी करेला वगैरह लगा हुआ है, करेला परमल, ये छोटे मोटे घर बने हैं, ये सारे डूबने वाले हैं कुछ दिन में। तो अगर आपको यहाँ पे घूमने आना है तो अभी जल्दी आइएगा, अदरवाइज़ ये जगह पूरा डूब जाएगा पानी से। तो दोस्तों, हम शारदा नदी आ गए हैं और अभी हम मछली मारने जा रहे हैं, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे मछली मारते हैं। अभी हम लोग जाल लगा रहे हैं, इससे मछली फंसेगा तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोगों का जाल लग चुका है यहाँ से लेकर वहाँ तक और देखते हैं इसमें कितना मछली आते हैं। अरे, इसमें पत्थर वत्थर तो है नहीं। जाल कुछ इस तरह से लगता है, दो बंदे, एक बंदा पानी के बीच में है और एक बंदा साइड में है, और जाल बीच में लगा हुआ है, और जैसे जैसे पानी इसके अंदर जाल के अंदर से निकल रहा है और मछली फंसता जा रहा है अंदर ही अंदर, और ये लोग चलते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछली इसमें आए। अभी आप लोगों को मैं दूसरी छोर पे ले जा रहा हूँ। हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया था, वो ऊँचा ऊँचा दिख रहा है बीच में, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था जाल लगाना और वहाँ से लेकर हम अब यहाँ पर आ गए हैं। और कितना मछली इसमें आया है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, देखो। अगर आसपास के हैं तो ज़रूर आइए यहाँ पे घूमने एक बार, मज़ा आएगा बहुत। तो ये हमारा पहला राउंड था और ज़्यादा मछली इसमें आया नहीं, तो अभी हम दूसरा राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो लेडीज़ भी आई हैं मछली मारने। तो अब हम दूसरे राउंड के लिए दूसरे छोर पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाल लगाएँगे और फिर दोबारा इस तरफ चलते हुए आएँगे। दोबारा से हमारा जाल लग रहा है। इस बार भी मछली कम फंसे हैं, बट इस बार एक सांप जैसा मछली फंसा है। इट लुक लाइक स्नैक, बट ये स्नैक नहीं, फिश ही है। ओ खतरनाक। आसपास के लोगों के लिए ये गोवा बीच से कुछ कम नहीं है। चारों तरफ देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। उसके अलावा सामने आपको बोटिंग करता हुआ दिख जाएगा दो लोग। बाकी इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मछली मार रहे हैं, बहुत सारे लोग। और इस तरफ का नज़ारा देखिए, देख रहे हैं मछलियाँ, छोटे छोटे बारीक बारीक सी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ।
और लास्ट राउंड के लिए हम लोग तैयार हैं। दो राउंड हो चुका है, वहाँ से लेकर यहाँ तक हम दो बार आए और ये तीसरी बार वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोबारा यहाँ पे आएंगे, फिर चलता बनेंगे घर की तरफ। होप आप लोगों को आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। गबिया का पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने पसंद किया था, ये दूसरा वीडियो है गबिया का। बाकी और भी कुछ अगर किसी को भी आसपास का कुछ भी देखना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गबिया सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, इसके बहुत सारे पार्ट्स आने अभी बाकी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।